So I have explained this Argand plane and polar representation. ये कुछ मैंने बताया था थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे. देन ये पॉइंट्स मैं बता रहा था, हाउ टू रिप्रेजेंट दीज पॉइंट्स. ओके, लेट मी टेल यू अबाउट दीज पॉइंट्स हियर. नाउ इफ यू लुक एट द स्क्रीन हियर, सम कॉम्प्लेक्स नंबर सच एज 2 + 4i - 2, 0, 2 - 5i, विच करस्पोंड टू द ऑर्डर पेयर. तो ये ऑर्डर पेयर कैसे बनाया है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका एक नंबर है अगर 2 + 4i, लेट मी राइट इट हियर. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसे ऑर्डर पेयर कैसे बनाते हैं, इसका रियल पार्ट लेते हैं 2, इमेजनरी पार्ट 4. तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस 2, 4, राइट. तो अगर आप फर्स्ट का देखेंगे तो 2, 4 आया इसका. सेकंड वाला और बताऊं अगर मैं आपको, तो सेकंड वाले का ऑर्डर पेयर बनाना है तो नंबर है -2 + 3i. तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा इस केस में, -2, 3, रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट, राइट. सो लाइक दिस यहाँ पे सारे ऑर्डर पेयर बनाए गए हैं इन नंबर्स के, ऊपर वाले नंबर्स के रेस्पेक्टिवली, हैव बीन रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय द पॉइंट्स. तो इनको हम लोग एक्सिस पे कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. किस फॉर्म में, ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे कर सकते हैं. कैसे, देखिए जो पॉइंट ए है ये आपको पता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. सो आई हैव रिप्रेजेंट दैट पॉइंट. सपोज पॉइंट ए है यहाँ पे, तो 2 x पे 2 और वाई पे 4. सो आई रिप्रेजेंट दिस पॉइंट ए हियर, पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी, ई, एफ. सो लाइक दिस वी कैन रिप्रेजेंट दिस पॉइंट्स, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले हमने ऑर्डर पेयर बनाया, ऑर्डर पेयर को इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, राइट. इफ यू लुक एट दिस डेफिनेशन हियर, द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन. तो जो प्लेन होता है, प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं असाइंड हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हर एक पॉइंट के लिए. सपोज इस पॉइंट यहाँ पे देखिए आप, इस पॉइंट एफ के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है. सो व्हाट इज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर दिस पॉइंट एफ, इट्स 1 + -2i. सो ऐसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर दिस पॉइंट एफ. तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन पे जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं और अर्गेंड प्लेन भी बोलते हैं, राइट. आई होप दिस द वर्ड इन द टॉपिक नेम अर्गेंड प्लेन इज नाउ इट्स क्लियर टू यू, विच प्लेन इज अर्गेंड प्लेन, राइट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स प्लेन. नाउ लुक एट दिस रिटन ऑन द स्क्रीन. अनंत राज किशन, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर. कुड यू प्लीज रीड दिस रिटन ऑन द स्क्रीन. ओके. ऑब्वियसली इन द आइगन प्लेन द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस i इनटू y इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p x कॉमा y and the origin to 0, 0 in figure 5.2. The points on the x-axis corresponds to the complex numbers of the form a plus i into 0, and the points on the y-axis corresponds to the complex numbers of the form 0 plus i into b. The x-axis and y-axis in the Argand plane are called respectively the real axis and the imaginary axis. ओके, तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, सपोज एक पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई,
So what is x in this case? So x is this distance, right? And what is y? Y is this distance. So अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, so what is op square? op square is x square plus y square, hypotenuse plus perpendicular. What is op? op is square will become square root x square plus y square, right? So यहाँ पे बताना चाह रहे हैं जो डिस्टेंस है, that modulus. हम लोगों ने modulus, we have already discussed this topic modulus. तो modulus क्या होता है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का modulus. सपोज मॉडुलस होता है, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो इसका जो मॉडुलस होता है डिनोट करते हैं जेड मॉडुलस से, एंड इट इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे दैट मॉडुलस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओपी के इक्वल, राइट? तो जो मॉडुलस है यहाँ पे ओपी, ओपी इज द मॉडुलस, एंड वी कैन से दैट इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, राइट? इफ यू लुक एट दिस लाइन in the Argand plane, the modulus of a complex number is the distance between the point and the origin, right? अगर कोई x axis पे है, if the point on the x axis, तो अगर x axis पे point lie करता है, तो complex number किस form का होगा? a plus i zero. ऐसा क्यों? अगर कोई point x axis के ऊपर lie करेगा, तो हमें पता है, if a point is lying on x axis, then what is the coordinate of that point? Coordinate is a comma zero. If a point is lying on x axis, तो y is always zero. तो आपने देखा यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया तो a आ गया और इमेजिनरी पार्ट जीरो, ठीक है? इसी तरह से अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करेगा, तो उसके जनरल पॉइंट्स क्या होते हैं? जीरो कोमा a. तो x हमेशा जीरो रहता है और a कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनी नंबर, राइट? आफ्टर दैट तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सपोज इन्होंने यहाँ पे b से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको, ये b मान लिया मैंने, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे जीरो प्लस आई बी से, ठीक है? अब यहां पे द एक्स एक्सिस, दिस प्लेन इज कॉल्ड एज अर्गेंड प्लेन, अर्गेंड प्लेन इसको बोलते हैं. तो अर्गेंड प्लेन में एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग? द एक्स एक्सिस इन अर्गेंड प्लेन इज कॉल्ड एज रियल एक्सिस. एक्स एक्सिस का नाम दिया हमने रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस का क्या नाम दिया? दैट इज इमेजिनरी एक्सिस, राइट? सो व्हाट इज एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज रियल एक्सिस एंड व्हाट इज इमेजिनरी एक्सिस, इज क्लियर टू यू? तो जो अर्गेंड प्लेन होता है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस, द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज रियल एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी एक्सिस इन द अर्गेंड प्लेन, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस. लुक एट दिस रिटन ऑन द स्क्रीन हियर. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्लस एक्स वाई एंड इट्स कॉन्जुकेट. अगर इसके कॉन्जुकेट का रिप्रेजेंटेशन करें, तो कॉन्जुकेट मैंने आपको बताया, कॉन्जुकेट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट के सामने माइनस लग जाता है. तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है हमारे पास एक्स प्लस आई वाई, तो इसका कॉन्जुकेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड बार से, और ये क्या हो जाता है? एक्स माइनस आई वाई. इसका करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए पॉइंट निकालें तो ये आएगा एक्स कोमा वाई, और इसके कॉन्जुकेट का पॉइंट निकालें तो एक्स कोमा माइनस वाई, राइट? So if you look at this, this point P is the representation of the complex number Z, and this Q is the representation of its conjugate. उसके conjugate का representation है. तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये एक mirror image बन रही है. जो यहाँ पे P है, if suppose X axis is the mirror, तो यहाँ पे that point Q is the mirror image of the point P. So जो conjugate होता है, conjugate basically is the mirror image बनती है. किस axis के respect में? X axis, real axis के respect में, right? And Argand plane, respectively, this point P and Q. Geometrically, the point X minus Y is the mirror image of the point on real axis. So, real axis पे एक image बन रही है जो आपको screen पे समझ में आ रही होगी, दिखाई दे रही होगी आपको. जो Q है, वो क्या है? एक image बन रही है किसकी? Point P की. तो conjugate क्या होता है? एक image बनती है. With respect to which axis? With respect to real axis. Real axis means X axis के respect में, right? Now this is all about the Argand plane and how to represent the point, how to represent a complex number and convert it into the corresponding point and represent on the Argand plane. Now I hope this thing is clear to you. Now look at the second topic is polar representation of a complex number. Look at this written on the screen. कसक चौहान, could you please read this written on the screen?
whatever representation of a complex number. At the point P, represent the non-zero complex number. This is equal to x plus iy. Let the directed line segment OP be of length r and 0 be the angle which OP makes with the positive direction of x-axis. We note that the point P is uniquely determined by the ordered pair of real numbers r and 0 called the polar coordinates of the point P. We consider the origin as the pole and the positive direction of the x-axis as the initial line. Okay. Basically, यहाँ पे किसी complex number को polar form में represent करना है. तो पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे आप सपोज करेंगे हम एक पॉइंट पी लिया है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है यहाँ पे, एक्स प्लस आई वाई, राइट. सो सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है. जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई, राइट. लेट द डायरेक्टेड लेंथ ओपी, अगर इसको रिप्रेजेंट करें इस पॉइंट पी को, यहाँ पे पॉइंट पी है, ठीक है, ये जेड है, एक लेंथ ओपी. लेंथ ओपी क्या है, लेंथ ओपी को यहाँ पे, लेंथ ओपी इज द मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी हम लोगों ने देखा था, दैट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो क्या होता था यहाँ पे, अगर आपने देखा था हम लोगों ने, तो जो जेड था, जेड बार हम लोग निकालते थे, दैट इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ जेड इज ओपी, लेंथ, जो लेंथ होती थी, ये क्या होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर रूट, ठीक है. यहाँ पे जो ये लेंथ है, लेंथ, लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय आर हियर, यहाँ पे पोलर रिप्रेजेंटेशन में लेंथ को आर से हम लोगों ने डिनोट किया. तो डायरेक्टेड ऑफ द लाइन, इफ यू लुक एट दिस लाइन, ओपी बी द लेंथ आर, लेंथ आर से, और जो ये एंगल बना रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस से, जो एंगल बना रहा है किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, जो एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऊपर की तरफ, राइट. तो इस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया. जो ओपी जो है, ओपी एक कॉम्प्लेक्स नंबर पी है, पॉइंट पी का, उसको ओ से ज्वाइन कराया, तो ये जो लाइन जो एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज थीटा, राइट. तो इसको थीटा भी द एंगल विद ओपी मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा ये. नाउ वी मे नोट दैट पॉइंट पी इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर पेयर. अब पॉइंट पी को हम लोग ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट करते थे, अभी पीछे हम लोग जब रिप्रेजेंट करते थे पॉइंट पी को, लेट मी टेल यू हियर हाउ वी रिप्रेजेंट द पॉइंट पी. हम लोग पॉइंट पी सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में हमने लेट किया हुआ है. तो इसका जब हम लोग ऑर्डर पेयर बनाते थे, ऑर्डर पेयर, तो ऑर्डर पेयर किसका लेते थे हम लोग, ऑर्डर पेयर हम लोग लेते थे रियल, रियल पार्ट एक्स का और इमेजिनरी पार्ट वाई का. तो हम लोग ऐसे ऑर्डर पेयर बनाते थे, इफ इट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन दिस फॉर्म, राइट. अगर हमें इसका पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो पोलर फॉर्म में दो चीजें हम लोगों ने अभी स्टडी की है, एक आर और एक थीटा, ठीक है. आर क्या है, आर यहाँ पे दैट इज द मॉडुलस ऑफ जेड, एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ओपी एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में. तो जब हम लोग पोलर फॉर्म की बात करेंगे, तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे आर और थीटा की फॉर्म में. सो इफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ आर एंड थीटा, दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज पोलर रिप्रेजेंटेशन, राइट. सो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे, वहां पे ऑर्डर पेयर यहाँ पे एक्स वाई बन रहा था, तो वहां पे ऑर्डर पेयर बनेगा आर कोमा थीटा की फॉर्म में, राइट. एंड दिस ऑर्डर पेयर ऑफ द पॉइंट पी इज कॉल्ड द पोलार कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी. तो ये पॉइंट पी के पोलार कोऑर्डिनेट हम लोग बोलेंगे इनको, पोलार कोऑर्डिनेट आर और थीटा की फॉर्म में, राइट. सो वी कंसिडर द ओरिजिन एज द पोल, ओरिजिन को हम लोग एज अ पोल कंसिडर करेंगे, एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एज द इनिशियल लाइन, एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को इनिशियल लाइन कंसिडर करेंगे. जैसे यहां से देखेंगे आप, तो अगर ये यहां से ऐसे मूव करेगा, ये लाइन है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की होगी, राइट. पोलर रिप्रेजेंटेशन इसको वी कंसिडर एज अ पोल, ओरिजिन एज अ पोल, तो इसको मूव कर रहे हैं हम लोग, तो पॉइंट पी यहाँ पे आ गया, इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे रोटेट कहीं पे भी कर सकता है,
किसी भी पॉइंट का हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, राइट। आई होप दिस थिंग इज लिटिल बिट क्लियर टू यू। नाउ लुक, मूव फॉरवर्ड हियर। नाउ इफ वी हैव x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, देयरफॉर z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। द लेटर इज सेड टू बी द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, हियर r इज इक्वल टू द मॉडुलस एंड थीटा इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z व्हिच इज डिनोटेड बाय आर्ग्यूमेंट z। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे इन्होंने बताई है। लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो पोलर फॉर्म होती क्या है, कैसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लाइक दिस। सो द पोलर फॉर्म इज, सो दिस इज द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म होती है जेड इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्म क्या होती है, सिंपल फॉर्म होती है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक्स और वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है पोलर फॉर्म, आर की और थीटा की फॉर्म में, आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दिस इज द पोलर फॉर्म। This is the polar form which contain theta, which contain r. This is called as polar form of a complex number, right? I कैसे है polar form? Let me tell you here. Diagram से समझाता हूँ कैसे बनी है polar form. Suppose ये point P है, ठीक है? Simple form में कैसा था ये point? X comma y की form में था, ठीक है? Simple representation में, right? So let me join this. Let me do it again. Straight line. Okay. So ये point हो गया OP. O से P तक. इस point P की हमें polar form में represent करना है. इसकी simple form कैसी होती है? Simple form होती है. Let Z is equal to. जो Z होती है, वो होती है simple form X plus I Y. ठीक है? X और Y Y की form में. अब यहां पे देखो r और थीटा की फॉर्म में, r क्या है, r ये डिस्टेंस है और थीटा क्या है, थीटा ये एंगल है, राइट, थीटा ये एंगल है। अब मैं इसको अगर यहां पे ये पॉइंट ज्वाइन कराऊं, ये इसको ऐसे एक ट्रायंगल में बना लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, इसको एक नाम दे देता हूं ओपी एम, ठीक है। अगर इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूं पहले, तो साइन थीटा क्या आएगा, व्हाट इज साइन थीटा, और आप देखेंगे अगर ये पॉइंट एक्स वाई है तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस होगी ये, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस वाई के इक्वल होगी, ठीक है। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। व्हाट इज परपेंडिकुलर इन दिस केस, परपेंडिकुलर देखिए थीटा के अपोजिट में, इट्स वाई, हाइपोटेन्यूस कितना है आर, ठीक है। तो यहां से मैं वाई की वैल्यू निकाल लूं तो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू, इफ आई शिफ्ट दिस आर ऑन दिस साइड, सो इट कैन बी रिटन एज आर साइन थीटा, राइट। I hope this thing is clear to you. Y कैसे मैंने find किया है? Y is equal to r sin theta. Now we know that cos theta is equal to perpendicular upon base upon hypotenuse. What is base in this case? X is the base in this triangle. So for which triangle I am talking about this thing is triangle PMO. So what is base in this case? Base is X. And what is hypotenuse? Hypotenuse in this R. तो अगर मैं इन दोनों से इनको यूज करके cos theta को इसके इक्वल यूज करके x की वैल्यू फाइंड करना चाहूं, what is x in this case? X is equal to shift this R on that side, R cos theta, right? तो मैंने x को और y को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, थीटा में और R में। ये ट्रायंगल से आपको समझ में आया होगा, इजी सा कंसेप्ट है, सीधा सीधा ट्रायंगल बना के x और y की वैल्यू। Now put it here. यहां पे रख दीजिए, z इज इक्वल टू x की जगह पे क्या रख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन टू, r cos थीटा प्लस i, y की जगह पे क्या रख सकता हूं, फ्रॉम हियर इट कैन बी रिटन एज r sin थीटा। सो इफ आई टेक r कॉमन फ्रॉम हियर, अगर मैं r कॉमन ले लेता हूं, सो व्हाट इज इनसाइड द ब्रैकेट, इट इज cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो दिस इज कॉल्ड एज द पोलर फॉर्म, यही होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म, इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। तो जेड है, ये भी जेड है, तो एक्स प्लस आई वाई किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, तो ये है पोलर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज पोलर रिप्रेजेंटेशन, राइट। यहां पे दो वर्ड और दो चीजें और उन्होंने डिफाइन की है,
तो यहां पे जो आर है, व्हाट इज आर, आर इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ जेड, आर को मॉडुलस बोलते हैं। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा को एक नाम इन्होंने दिया आर्ग्यूमेंट, द नेम फॉर थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय ए आर जी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ जेड आर क्या है, यहां पे मॉडुलस ऑफ जेड एंड इट इज डिनोटेड लाइक दिस, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंग्स, दैट इज आर एंड थीटा। सो आर इज द मॉडुलस ऑफ जेड एंड हाउ टू फाइंड इट, वी नो दैट इट्स रूट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। एंड हाउ टू फाइंड आउट द थीटा, बाय यूजिंग द साइन एंड कोस हियर, राइट। सो आर्ग्यूमेंट दिस इज कॉल्ड एज मॉडुलस, और आर्ग्यूमेंट को एक नाम और भी दिया है इन्होंने, आर्ग्यूमेंट को हम लोग कई बार एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज, आर्ग्यूमेंट समटाइम्स और कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल, एनी क्वेश्चन? Any question, any doubt up to now? No, sir. Okay, Nishtha. So now let's move forward here. Look at this very important thing and the last thing of this topic of polar representation. If you read this, for any complex number, Z is not equal to non-zero complex number की बात कर रहे हैं, their corresponding only one value of theta in 0 to 2 pi. So 0 से 2 pi तक के लिए theta की केवल एक ही value होगी, right? Theta means amplitude of Z or argument of Z, right? Any other interval of length 2 pi, for example minus pi से लेके pi तक, तो माइनस पाई से लेके पाई तक अगर देखें, इट इज टॉकिंग अबाउट द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कैन बी सच एन इंटरवल, वी शैल टेक द थीटा सच एज माइनस पाई टू पाई कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड इज डिनोटेड बाय आर्ग्यूमेंट जेड अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। सो इफ यू लुक एट दिस फिगर 5.5 एंड 5.6, सो लेट मी टेल यू, explain these figures to you first. क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, let me explain this, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं figures को, okay. तो पहले ये figure देख लेते हैं, look at this figure first. First of all let me explain this figure 5.5, what they want to say here. Figure 5.5 जो है आपका 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से 360 डिग्री तक, राइट। तो देखिए अगर पॉइंट पी यहां पे है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो एंगल क्या होगा थीटा, अगर पॉइंट यहां पे है सेकंड क्वाड्रेंट तो एंगल क्या होगा थीटा, एंड वी वर मूविंग इन विच डायरेक्शन, वी वर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। इफ अ पॉइंट पी इज लाइंग इन द थर्ड पॉइंट, सो व्हाट इज द थीटा, थीटा होगा ये, दिस इज द थीटा, राइट। एंड इफ द पॉइंट इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट तो थीटा क्या होगा, थीटा यहां से लाइक दिस, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, राइट। सो ये 0 से 2 पाई केस में इन्होंने बताया, 4 केसेस आते हैं, इसको मैं लिंक करता हूं। अब आप ये देखिए फिगर 5.6, इफ यू लुक एट दिस फिगर 5.6, तो यहां पे माइनस पाई से पाई के बीच में लिंक किया, माइनस पाई क्या होता है, अगर मैं यहां पे क्लॉकवाइज मूव करूं और यहां पे आ जाऊं तो ये होगा माइनस पाई, ठीक है। और पाई क्या होता है, पाई होता है अगर मैं ऐसे ऊपर से यहां से चलूं और यहां से ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज आ जाऊं तो ये होता है पाई 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूं 180 डिग्री तो उसको पाई बोलेंगे, और अगर मैं नीचे की तरफ मूव करता हूं क्लॉकवाइज, जब मैं मूव करता हूं एंगल नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। सो माइनस पाई से पाई का मतलब क्या है, इसको मैं यहां पे एक फिगर बना के अगर आपको समझाऊं तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहां पे इसका मतलब ये है, जैसे लाइन है, अब ये लाइन मूव कर रही है देख रहे हैं, तो मूव करते करते यहां पे आ गई, तो यहां पे क्या हो गया है, पाई पे आ गई, यहां से मूव किया लाइक दिस एंड 90 आया, फिर 90 से पाई आ गया, तो लाइक दिस इट्स ऑन पाई नाउ, तो ये पाई पे है, ठीक है।
तो क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं अगर ये लाइन ऐसे ऐसे मूव करेगी लाइक दिस क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये, तो यहां पे आएगा 180 डिग्री और मैं बोल सकता हूं ये पाई डिग्री एंगल कवर किया है इसने, ठीक है। अगर ये लाइन सेम लाइन यहां से इस तरह से नीचे की तरफ मूव करने लगे क्लॉकवाइज, तो एंगल पहली बात तो एंगल नेगेटिव में जाएगा, एंगल नेगेटिव होगा। दूसरी बात यहां पे एंगल नेगेटिव होते होते यहां पे जब आएगा तो ये कितना मूव कर गई 180 डिग्री मूव कर लिया इसने, हाफ सर्कल कवर कर लिया, ठीक है। हाफ सर्कल कवर करने पे, हाफ सर्कल कवर करने पे 180 डिग्री कवर होता है, तो ये 180 डिग्री कवर कर लिया, लेकिन ये एंगल क्या लेंगे हम लोग, एंगल हम लोग नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये मूवमेंट किधर हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां पे आएगा माइनस 180, तो माइनस 180 डिग्री, तो ये कह रहे हैं कि माइनस 180 से ऐसे माइनस 180 से 180 तक, तो ये पूरा सर्कल हो गया, तो माइनस 180 से 180 तक ये फिगर्स कैसे होंगी, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू। तो जब आप यहां पे देखेंगे इन द फर्स्ट फिगर, इफ यू लुक एट इन द फर्स्ट फिगर, तो फर्स्ट फिगर में पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आप मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल पॉजिटिव थीटा आएगा। सेकंड में लाई करेगा तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे और पॉइंट थीटा आएगा और यहां पे एंगल थीटा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन इफ यू लुक एट दिस थर्ड फिगर, इफ द पॉइंट इज लाइंग ऑन, इफ अ पॉइंट इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी पड़ेगी, ऊपर से आना शॉर्ट पड़ेगा या नीचे से आना शॉर्ट पड़ेगा, आपको ये डिस्टेंस शॉर्ट पड़ेगी, राइट। सो यू हैव टू मूव क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे इस वाले इंटरवल इसके फॉर्मेट में, आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे और आपका यहाँ पे थीटा ये होगा, ठीक है। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे पी पे आने के दो वे हैं, या तो आप ऐसे घूम के आए तो ये लॉन्ग 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 वे होगा, तो ये छोटा वे होगा ये वाला, सो आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, आप ऐसे नहीं लेंगे, यू हैव टू टेक दिस थीटा, राइट। सो अगर मैं इसको चीज को इफ आई कनेक्ट विद दिस विद द क्वेश्चन हाउ टू फाइंड दिस, देन इट विल बी कंप्लीटली क्लियर टू यू। अभी एक बेसिक आइडिया आपको हुआ है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट, सो नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस इन द एक्सरसाइज 5.2।